कल चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या? चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचे, मुट्ठी बींचे सभी लोग और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भाजपा शिवसेना युति के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और हम सब के नेता श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, महाराज के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पुणे के ही विधायक श्रीमान चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराज से सांसद और मोदी एट 20 पुस्तक के पूरे देश में इसके आयोजनों के राष्ट्रीय संयोजक श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजताई मुंडे जी, श्री माधव भंडारी जी, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, प्रदेश महासचिव मुरलीधर मोहोल जी, भाजपा पुणे के अध्यक्ष श्री जगदीश मुलिक जी, राजहंस प्रकाशन के प्रतिनिधि श्री आनंद हार्डिकर जी, विधायक सुनील कामले जी, महेश लाडंगे जी, बहन माधुरी ताई जी, सिद्धार्थ सिरोले जी, श्री भीमराव तपकीर जी, उमाताई खापरे जी, श्री राहुल कुल और आज इस कार्यक्रम के अंदर आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज प्रकाश जी आमतौर पर मोदी एट 20 का किसी भी भाषा में लोकार्पण होता है तो कार्यक्रम को समाज जीवन के बुद्धिजीवियों के बीच में रखते हैं, परंतु आज मराठी भाषांतर के लोकार्पण के कार्यक्रम में प्रकाश जी ने कार्यकर्ता भाइयों बहनों को बुलाया है। इसके पीछे जरूर कुछ सोचा होगा, मोदी जी की पुस्तक का विमोचन, ये पुस्तक का भारत की हर भाषा में अनुवाद, ये अनुवाद का हर राज्य में विमोचन, ये बहुत लंबी और बहुत पेनफुल प्रक्रिया को श्री जावड़ेकर जी देख रहे हैं। आज मोदी एट 20 इस पुस्तक का मराठी भाषा में रूपांतरण आज अभी हम सब मंचासीन लोगों के हाथों से हुआ है। मैं समग्र महाराष्ट्र के लोगों को एक अपील करना चाहता हूं, किस देश
के लोकतंत्र को सफल कैसे बनाया जा सकता है, सफल कैसे बनाया गया है, इसकी अगर कहानी सुननी है, इसकी अगर कहानी पढ़नी है, तो मोदी एक्ट 20 को जरूर पढ़िए। इसी में से ये सारी चीजें आपके ध्यान पर आएगी। इस देश में ऐसे तो 75 साल में 17 लोकसभा चुनाव हुए, 22 सरकारें बनी और 15 प्रधानमंत्री देखे। पुस्तक बनना भी कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री के सम्मान में जनता का एकत्रित होना भी बड़ी बात नहीं है। परंतु मोदी एक्ट 20, मोदी एक्ट 20 ये मोदी जी के जीवन पर लिखी हुई पुस्तक नहीं है। मोदी एक्ट 20 मोदी जी का महिमा मंडन करने के लिए बनाई गई पुस्तक, बनाए गए लेखों का संकलन नहीं है। मोदी एक्ट 20 भारतीय जनता पार्टी के यशोगान का आलेखों का संकलन नहीं है। मोदी एक्ट 20 भारत की समस्याओं का निराकरण और भारत के भविष्य की उज्जवल आशाओं का रेखांकन। नरेंद्र मोदी जी का देश की राजनीति में आना ये महज कोई अकस्मात नहीं था। अगर मोदी जी के 20 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के समझने हैं तो उसके पहले के 30 साल तक की हुई तपस्याओं के अंदर झांकना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर सफल 20 साल को आप समझ पाएंगे। एक व्यक्ति सब कुछ त्याग कर घर से निकलता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ता है, सब कुछ त्याग कर कार्यालय में साफ सफाई करने से लेकर मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत बनता है, संगठन के मूल सिद्धांतों को समझकर गुजरात जैसे विशाल प्रदेश के कई गांवों में एसटी में बैठकर स्कूटर पर जाकर कई दिन तक पैदल चलकर गरीब से गरीब घर का संपर्क करता है, भाजपा की संघ की विचारधारा का प्रचार प्रसार फैलाव करता है और ये करते करते देश की समस्याओं की जानकारी लेता है, गरीबों के दुख दर्द को समझता है, अपने आप को गरीबों के दुख दर्द के साथ जुड़ता है और फिर चिंतन कर इसका समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करता है। नरेंद्र मोदी जी को जब गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया तब समग्र भारत के मुख्यमंत्रियों में एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे थे जो कभी चुनाव ही नहीं लड़े थे, सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़े थे, कभी नहीं लड़े थे। उन्होंने भाजपा के संगठन का काम किया और अचानक ही पार्टी ने निर्णय किया कि आपको जाकर मुख्यमंत्री बनना है। कितने सारे सवाल मोदी जी के मन में उठे होंगे, मगर आगे की हुई 30 साल की सफल तपस्या में इस सारे सवालों के समाधान पड़े थे। लोगों को साथ में लेने की कला सिद्ध हस्त करी थी, समस्याओं को सुनने का धैर्य प्राप्त कर चुके थे, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता दिल का और कार्य पद्धति का एक हिस्सा बन चुकी थी और भारत माता की सेवा और भारत माता के लिए जीने मरने की लालसा एक ही जीवन का उद्देश्य बचा था, तब जाकर सफलता मिलती। मोदी जी ने 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते काम किया, उसमें से 10 साल में इनका साथी बना मंत्रिमंडल में। ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने 13 साल के अंदर समग्र गुजरात को सर्वस्पर्शीय
सर्वसमावेशक विकास कैसा होता है वो समझाए। गुजरात में ही सबसे पहले हर घर में 24 घंटा बिजली की शुरुआत, गुजरात में ही सबसे पहले हर घर में शौचालय की शुरुआत, गुजरात में ही सबसे पहले ग्रामीण विकास के नए अध्याय लिखे गए, गुजरात में ही सबसे पहले अर्बन डेवलपमेंट का साइंटिफिक अप्रोच लाया गया, गुजरात में ही सबसे पहले टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार कर सीमाओं को सुरक्षित कर दिया गया। और ये करते 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 13 साल के अंदर मोदी जी भाजपा के ब्रांड एम्बेसिडर बन गए। और जब ये तय हुआ कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2014 का चुनाव लड़ेगी, तब समग्र देश के, मैं तो उत्तर प्रदेश में काम करता था, समग्र देश पर यूपी के कोने कोने में एक आनंद की लहर, मेरे जैसे राजनीति के विद्यार्थी के लिए आश्चर्य था। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य में काम करता है और समग्र देश के अंदर आनंद की लहर दौड़ती। परंतु उस वक्त का कालखंड याद करिए, 2004 से 2014 ये 10 साल के अंदर यूपीए सरकार ने इस देश के अंदर शासन किया। यूपीए सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसमें हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानता था। पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठिए घुसकर आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, पैरों से इनके सर को अपमानित करते थे और दिल्ली के दरबार में चुप्पी छाई रहती थी। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम देश के सामने चित्रपट की तरह एक के बाद एक आ गए थे। महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं थी, प्रधानमंत्री का विदेश में कोई सम्मान नहीं था, देश का सम्मान विदेश में पाताल तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री विदेश जाते थे, लिखा हुआ भाषण पढ़ते थे, कभी थाईलैंड का भाषण सिंगापुर में पढ़ देते थे, कभी सिंगापुर का भाषण थाईलैंड में। ये हुआ है, हंसिए मत। और देश को बड़ा अपमान सहना, और उसी वक्त नरेंद्र मोदी जी के नाम की घोषणा हुई। देखते 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 चुनाव एक लहर में बदल गया और भारत में पहली बार एक गैर कांग्रेसी दल को और भारतीय जनता पार्टी को भी पहली बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये 2014 से 2022 ये कालखंड के अंदर भारत ने परिवर्तन देखा। 2004 में कांग्रेस आई तो 14 में गई, तब तक भारत के विचारवान लोग सोचते थे कि क्या हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हो गई क्या, ये गुड्स डिलीवर नहीं कर पाएगी क्या, इसके रास्ते चलते क्या हम सफल हो पाएंगे, लोकतंत्र पर, हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर लोगों के मन में एक सवाल उठा था। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि यही मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के चलते भारत समग्र विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच सकता है और हम देश को आगे बढ़ा सकते। 14 से 22 का एक कालखंड, जब कभी भी भारत के चुनी हुई सरकारों का इतिहास लिखा जाएगा सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि अब तक 70 साल तक देश के 70 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको लगता था आजादी के बाद मेरा हिस्सा कहां गया, दारुण गरीबी में जीते थे, घर का तो नामो निशान नहीं था, घर था तो बिजली नहीं थी, बिजली कहीं से
लट्टू ला दिया तो शौचालय नहीं था, घर धुआं से भरा रहता था, खाने का कोई ठोर ठिकाना नहीं था, दो दिन क्या खाना, दिन दो बार क्या खाना, ये सवाल रहता था। और इसमें बीमारी आ गई तो भगवान की प्रार्थना के अलावे इसके पास कोई उपाय नहीं था। यही 60-70 करोड़ लोगों को आज घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाकर घर गैस घर को धुआं मुक्त बनाने का काम मोदी जी ने कर दिया है। 10 करोड़ से ज्यादा गरीब घरों में शौचालय पहुंचाकर मां बेटियों के सम्मान की रक्षा करने का काम देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने। घर के अंदर दोनों टाइम आराम से आप खाना खा सको, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने देने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, नरेंद्र मोदी ने की है। 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार आज अपने पेमेंट से कर रही है। 5 लाख तक कोई गरीब को स्वास्थ्य का 1 रुपये का बिल का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको मुक्त कर दिया। अपने बूढ़े बाप की वो सेवा कर सकता है, गरीब माँ अपने छोटे बच्चे का इलाज करा सकती है, और मैं और आप कराए ऐसा ही अच्छा इलाज कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं 80 करोड़ लोगों तक पहुंचे। दिन को दीनदयाल जी ने अंत्योदय का नाम दिया था, उसी अंत्योदय ने मोदी जी को गरीब कल्याण के नाम से देश के 60 करोड़ गरीबों तक पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी होती है ये बता दिया। माताओं भाइयों बहनों, मैं मोदी जी को उनके साथ संगठन का काम भी बहुत नजदीक से किया है। मोदी जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति है, एक कर्मठ कार्यकर्ता है। संगठन का काम करते थे तब तो चुनाव की जिम्मेदारी लेते ही थे, मगर आज देश में कहीं पर भी चुनाव हो उस राज्य के कोई भी कार्यकर्ता से ज्यादा परिश्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। एक स्टेट्समैन जैसी छवि, हर समस्या को मानवीय अवगुणों से, मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठकर सोचने का एक पद्धति समग्र विश्व और समग्र भारत में उनको अलग बनाकर रखा है। एक टीम लीडर के नाते समग्र देश का आज नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे देश की 130 करोड़ की जनता का नेता का नाम एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और मैं जब ये कहता हूं तो कोरे शब्दों में कहना नहीं चाहता। कोरोना आया तब मोदी जी ने एक घोषणा की कि कल पूरा देश जनता कर्फ्यू का पालन करेगा, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अपील की, कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं। और 130 करोड़ के देश में रोड पर एक भी वाहन नहीं दिखता था मित्रों, कोई घर नहीं। एक नेता की अपील पर 130 करोड़ की जनता अपने आप को घर के अंदर बंद कर दे, बूढ़ा युवा महिला पुरुष बच्चे बच्ची सभी लोग, भाई मोदी जी ने कहा है कोरोना के सामने एकजुट होकर लड़ना है, हम घर के बाहर नहीं जाएंगे। ये बताता है कि ही टीम लीडर, पूरे देश के नेता है, भावुक राजनेता। जब कोरोना के अंदर लोगों के कामकाज बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, गरीब लोग क्या खाएंगे सब सोचते रह गए, एक दिन सुबह अचानक ही उन्होंने योजना घोषित कर दी, हर घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा, भारत सरकार हर गरीब के खाने की चिंता करेगी। मित्रों, ये विचार उसी को आ सकता है जिसने गरीबी का दुख झेला हो, गरीब को जिया हो। एक निडर सेनापति, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे याद है जब उरी और पुलवामा में हमला हुआ, हम सबको लगता है अब क्या हो सकता है, युद्ध हो जाएगा,
वो कुछ बोलते नहीं थे, केरल की कार्यकारिणी थी, एक फोन नहीं लेना, एक चर्चा नहीं करना, एक मीटिंग नहीं, केरल में राष्ट्रीय परिषद थी, दीनदयाल जन्मशती की शुरुआत थी, कुछ नहीं, किसी के साथ मीटिंग नहीं, किसी के साथ फोन नहीं, एकाग्रता से कार्य समिति के अंदर वो हिस्सा ले रहे थे। और तीसरे ही दिन एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को हताहत कर एक निडर सेनापति की तरह फैसला करते हैं, मेरे देश के जवानों की जान गई है, आपको हिसाब चुकता करना पड़ेगा, यहीं पर करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। ये हिम्मत बहुत कम नेताओं में होती है। और एक उपभोग सुनने स्वामी शिवाजी महाराज के लिए शब्द प्रयोग किया गया था। शिवाजी महाराज से लेकर आज तक मैं कई लोगों के संपर्क में आया हूं, मैंने राजे रजवाड़े भी देखे, मेरा जीवन ही शुरू राजे रजवाड़ों के घर में हुआ है, मैंने नेता भी देखे, मगर सरकार की संपत्ति का जीरो उपभोग करने वाला नरेंद्र मोदी जैसा नेता मैंने नहीं देखा। अपनी माता की मृत्यु के दिन भी 10:30 बजे संस्कार समाप्त होते हैं और 11 बजे ऑनलाइन बंगाल के कार्यक्रम में यह आदमी उपस्थित हो जाता है और क्षमा मांगता है, मेरे कारण आधा घंटा आपको कार्यक्रम लेट करना पड़ा साहब। ये विचार जो है ना, ये विचार हम सब के लिए युगों युगों तक प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त है। एक उपभोग शून्य स्वामी, मैंने कभी इनके रिश्तेदारों को उनके घर पर नहीं देखा है। आज भी कई प्रकार के कई रिश्तेदार उनके इस प्रकार का काम करते हैं, मैं सार्वजनिक रूप से बोल भी नहीं सकता। जिसके परिवार का सदस्य 22 साल से सत्ता पर हो और परिवार की जरा भी चिंता नहीं की हो, ऐसा आदमी दिया लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलता। और आज भी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक दिन में 15 से 18 घंटे काम करने वाला आदमी हमने नहीं देखा है। इतना परिश्रम, इतनी लगन, और एक ही लगन कि मेरा भारत समग्र विश्व में सर्वप्रथम हो, ये लगन लेकर आगे निकले। और मित्रों, तब जाकर ये देश 8 ही साल में इतनी बड़ी मजल काटकर आज यहाँ पर खड़ा है। ऐसा नेता मिलना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का हमें मिला। मैं महाराष्ट्र की जनता को और विशेषकर युवाओं को जरूर कहना चाहूंगा, मोदी 820 जरूर पढ़िएगा। मोदी 820 एक पुस्तक नहीं है, इसके अंदर अलग अलग लिखे गए आर्टिकलों का संकलन है और इसमें नरेंद्र भाई के संपूर्ण व्यक्तित्व को, संपूर्ण सफलताओं को बहुत अच्छे तरीके से उजागर किया गया है। मगर पुस्तक पढ़कर मोदी समझ में नहीं आएंगे, कार्यकर्ताओं के चश्मे से देखोगे तो मोदी जी समझ में आएंगे, कार्यकर्ता की भावना से देखोगे तो मोदी जी। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी यूटी को मिला है। सिंधे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिलकर एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है, आज मालूम पड़ गया। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष, चुनाव मिलकर लड़े, अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई, देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे, आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है, आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में। ये जो चुनाव में हार होता है
पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत घटती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया, उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां जीरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। मैं आज पुणे के सभी कार्यकर्ताओं को अपील करने के लिए आया, हम सब 1950 से राजनीति में एक मिशन लेकर हम राजनीति के अंदर निकले हुए लोग हैं। दीनदयाल जी ने हमारे सामने दो लक्ष्य रखे थे, सुरक्षित और समृद्ध भारत और अंत्योदय। गरीब कल्याण के माध्यम से अंत्योदय का काम मोदी जी ने समाप्त कर दिया है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वापिस आने की कोई जगह नहीं है। भारत को वो सुरक्षित भी बना चुके हैं, पर भारत को समृद्ध बनाने की बारी है। दुनिया में अर्थतंत्र की तालिका में भारत 11वें नंबर पर 2014 में था, हम 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। बजा ली तालियां, अब मैं बताता हूं, फिर से जोर से बजाइएगा, मैं एक बात बताने जा रहा हूं। 5वें नंबर पर हमसे पहले हम पर 150 साल तक शासन करने वाले अंग्रेज थे, उनको हटाकर आज हम 5वें। जरा भी अहंकार करे बगैर अपने पुरुषार्थ के आधार पर हमने दुनिया में अपना लोहा मनाया। आज डिफेंस के क्षेत्र में भारत के एयरो शो में 100 से ज्यादा अधिक देश आते हैं। डिफेंस का जो इंपोर्ट होता था इसमें 70% की कटौती हो चुकी है, और जो लोग कहते थे धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी, यही कांग्रेस एनसी वाले कहते थे, आज इनको जवाब मिल गया है, खून की नदियां छोड़िए, किसी की पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं है भाई। नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास के आधार पर मोदी जी ने इंसर्जेंसी को समाप्त कर दिया। वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के अंदर लगभग देश को मुक्ति दिलाने के कगार पर पहुंचे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये 4 राज्य पूर्णतया मुक्त हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ बाकी है, थोड़ा आंध्र तेलंगाना के एक एक तालुका बाकी है, और ओडिशा में भी एक तालुका बाकी है। मुझे भरोसा है कि 2 साल में ये भी समाप्त हो जाए। इतने बहुत बड़ी उपलब्धि, जिस लक्ष्य को लेकर हम 50 साल पहले निकले थे, वो लक्ष्य की परिपूर्ति ये 9 साल के अंदर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने की। जब हम सब छोटे थे, राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर थी इलाबेन शाह, तो जब शिला पूजन का कार्यक्रम था तो इलाबेन को मैंने निमंत्रित किया, मैं कि पूजन तो मैं कर देती हूं मगर मेरा भूत भी राम मंदिर नहीं देख पाएगा। जब भूमि पूजन हुआ तो 85 साल की इलाबेन का फोन आया, अमित भाई 7/8 राम मंदिर बनने की शुरुआत हो। कोई नहीं मानता, धारा 370 हटे कोई नहीं मानता था, ट्रिपल तलाक समाप्त हो कोई नहीं मानता था, सीएए इस देश में आए कोई नहीं मानता था। इस देश के अंदर भाजपा की सरकारें कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में आगे जाए कोई नहीं मानता था। सारे हमारे वैचारिक आधार को पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी। मगर अभी भी मिशन अधूरा है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ओडिशा में भुवनेश्वर में मैंने कहा था कि 5-10 साल में भारत को महान बनने की प्रक्रिया नहीं होती, 30 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी आती है, तभी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर हम बैठा हुआ देख सकते।
मित्रों हमारे सामने एक लक्ष्य, इस देश को हर क्षेत्र के अंदर सर्वप्रथम करना, दुनिया में सर्वप्रथम करना, वो लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए हम राजनीति में आए हैं। किसी की तरह सत्ता प्राप्त करने के लिए पिताजी के सिद्धांतों, पार्टी के सिद्धांतों और पार्टी के कार्यकर्ता को धोखा देकर मुख्यमंत्री बनने के लिए हम नहीं आए। हम भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लक्ष्य के लिए आए। और मैं बताता हूं आपको, 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी शिद्दत के साथ, अच्छी रणनीति के साथ और परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ लड़ना है। आज 3 जिले के कार्यकर्ता यहां है, सभी संकल्पवान होकर जाए कि महाराष्ट्र की एक भी सीट किसी के भी अकाउंट में नहीं जाएगी, सभी के सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन जीतेगा। अगर हमें संकल्प करते और संकल्प की सिद्धि के लिए कठोर परिश्रम के लिए प्रतिज्ञित होते तो मैं आपको बताता हूं, मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व ऐसा है जिसने 2 बार हमें पूर्ण बहुमत दिया, 1 बार 2/3 बहुमत दिया। मोदी जी के नेतृत्व में 3री बार भी पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार बन सकती है। हमने इस दिशा में आगे बढ़ना, आज चुनाव कैसे लड़ना, क्या लड़ना, ये कहने का समय नहीं है, मगर हम सब कार्यकर्ता एकजुट हो गए, एक दिशा में चले, एक लक्ष्य लेकर चले और मोदी जी के नेतृत्व में भारत को परम वैभव के लक्ष्य की दिशा में ले जाने के लिए चले, तो मुझे विश्वास है मित्रों, हमारे जीते जी भारत माता को हम विश्व गुरु के स्थान पर बैठा हुआ देख पाएंगे और हमारे पुरखों ने सालों से जो सपना संजोया था उसको सफल होते हुए देखेंगे। शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, तात्या टोपे और लक्ष्मी रानी ने जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न को हम सिद्ध कर पाएंगे मित्रों। और भारतीय जनता पार्टी का यही मिशन है, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी दोनों मिलकर एक करप्ट सरकार की जगह लोकाभिमुख सरकार देने का काम किए हैं। इन दोनों के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना है, मोदी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव लड़ना है और हमें विजय प्राप्त करनी है। मुझे बताइए, आप लोग चुनाव के विजय तक कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार है क्या? फिर से पूछता हूं, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, तैयार है क्या? महाराष्ट्र की सभी सीटें हमारी यूटी जीतेगी क्या? मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 2/3 बहुमत से जीतेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, शिवाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। धन्यवाद अमित भाई, आपले विचार आम्हा पुणेकर कार्यकर्त्यांना खूप प्रेरणादायी ठरले आहेत, ते आपलं सर्वांचं धन्यवाद मानतो।